अच्छा बीच सलामुअलैकुम में रहमतुल्लाह ए बरकातु दुश्मनों के मुंह में थू। मेरा माइक टेस्टिंग था ये। इतना खतरनाक माइक टेस्टिंग होने लगा तो हो गया फिर। मेरी स्टेप मदर जो है वो मम्मीडन है। हाँ हाँ, मेरा स्टेप पापा मैं मदर, नहीं हूँ। हाँ जी, स्टेप मदर मतलब मेरे जो स्टेप मम्मी मदर। के ओके डेथ ओके हो। ओके ओके ओके, आई एम रियली हाँ जी, सॉरी, हाँ मैं जी, समझ नहीं पाया था। हाँ हाँ जी। ओके तो वो भी मम्मी डैन है। तो जो मेरी खाला है, सबसे बड़ी खाला, उसके बेटा जो है वो मजला वाला अल्कोहलिक है। वो बहुत अल्कोहलिक है। अभी बीच में मेरा भाई आया हुआ था। मैं पुणे में हूँ। वैसे मैं ब्रॉट अप बॉर्न बिलोंग करती हूँ सिक्किम से। ओके मैं सिक्किम से हूँ। तो मेरे खाला का जो बेटा है मजला वाला, वो पीने के बाद में क्या बोलता है कि मैंने भी ISI ज्वाइन करना है। पीने के बाद में वो बोलते अच्छा, फिरते हैं, पीने के मतलब बाद अपने उनके बोलता फैमिली। हाँ जी, है। हाँ जी, मैंने ISI ज्वाइन करना है। बट मैं ना मैंने इस चीज के बारे में भाई को भी बोली कि ये बातें वो ना बोला करे, क्योंकि अभी ना हमारे सिक्किम में इतना ज्यादा मोमेडियन आ रहे। पहले कभी भी सिक्किम में ये सुनाई नहीं देता था कि वहां पर सिक्किम में बलात्कार हो रहा है, ठीक है, खून हो रहा है। ये चीजें पहले कभी भी, आज भी देखिए सिक्किम का न्यूज इतना नहीं आता है। सिक्किम में क्राइम ओके बहुत ही कम है, लेकिन अभी इतना ज्यादा हो गया है ना कि मतलब जहां पर, मतलब मेरा घर है जिधर, तो वहां पर एक मस्जिद है। वो मस्जिद ऐसे जगह पे बना हुआ है, और वहां पर मतलब तकरीबन 50-60 साल से उस एरिया में, उस जगह पे, उस प्लेस में सुअर को पाला जाता था, सुअर को। लेकिन ओके बाद में वो थोड़ा बाजार होना शुरू हो गया, तो वो चीज हटा के अभी उस जगह पे मस्जिद है जहां पर सुअर का टट्टी खाना अरे था। रे तो रे रे उधर रे अभी मस्जिद रे। है, ठीक हाँ है। और तो ये जाके फैक्ट है, ये सबको बता दो अरबी उधर। नहीं, बताने की जरूरत नहीं है। वहां पर मोमेडियन लोग को पता है ना, क्योंकि वो लोग ने ही मस्जिद बनाया है, पैसा कंट्रीब्यूट करके वो लोग ने ही मस्जिद बनाया है। जब वो बना भी रहे थे, हमारे गांव के जो बदमाश मतलब लड़के लोग थे, वो लोग ने सुअर का बच्चा पकड़ पकड़ के उसके मस्जिद के अंदर फेंकता था। जब वो बनाए तो बोलते थे लाल हरा भरा, वैसा बोल बोल के मुसलमान लोग अपना लुंगी उठा उठा के भागते थे उस टाइम पे। तो फिर ये कमेंट आपके ऊपर बड़ा सूट होता है। दीदी फुल एंजॉय कर रही है लाइफ। मैं तो मतलब ऑब्वियसली करूंगी, बट हाँ ये है कि मतलब जब भी मैं गाँव जाती हूँ, तो मैं, मेरा पापा भी अभी नहीं है, मतलब 18-19 साल हो चुका है उनका डेथ होने के बाद में। तो मेरा माँ जो स्टेप मदर है, उसने भाई लोग को सबको मतलब मोमेडियन बना दिया, मोमेडियन बना दिया। लेकिन अच्छा, फर्क नहीं पड़ता, आपको वो नहीं बना नाम का पाई। ही मोमेडियन है। मेरे को तो वो बना ही नहीं सकता, क्योंकि मेरा तो बाप, मैं तो सीधा बोलती हूँ, मेरा बाप का नीचे तू है, मेरा बाप तेरे हाँ नीचे थोड़ी है। मैं तो ये बोल देती हूँ, अच्छा क्योंकि ऐसा। लड़ाई होती है आजकल क्योंकि माँ के साथ में लड़ाई होती है, क्योंकि सौतेली सौतेली का ही व्यवहार मतलब करने लग गई अभी। पहले नहीं करती हाँ थी, झूठ नहीं बोलना चाहिए कि पहले नहीं करती थी, जब मैं छोटी थी तब नहीं करती थी ऐसा। लेकिन अभी उसके अभी बच्चे एकदम खुद बड़े हो खतरनाक गए बन गई है तो ना आप, अभी आप खतरनाक बन गई है, इस वजह से वो ऐसा कर रही है। हाँ जी, अभी तो मैं पहले जैसे वो जाती भी हूं तो मीम मेरे को, वो मीम मेरे को याद आ गया। बेटा आपकी बहन पहले बोलती थी, नहीं बोलती थी, अब बोलने लगी है, बोलने लगी है। तो जब तक आप बोलती नहीं थी तब तक वो आपको अच्छा ख्याल व्याल रख रही थी, अब आप बोलने लगी है, हंसने लगी है, तो इस वजह से जो है वो समझ गई कि इसको थोड़ा दूर ही रखो। हाँ जी। और मेरा जो मामा के मतलब स्टेप मदर के जो मामा के बेटे लोग हैं, उनके साथ में भी मेरी बहुत सारे मतलब ऐसे डिबेट्स होते हैं। और थैंक यू कि आप लोग के कारण से और भी हमें मतलब आयत वगैरह, हदीस नंबर वगैरह मतलब पता चले। तो वो लोग तो सब लोग मेरे को बदतमीज बोलते ही है, सब लोग मेरे को बदतमीज बोलते हैं कि तू मुंह फट है, बदतमीज है। तो मैं उसको यही बोलती हूँ, हाँ तुम लोग का सच्चाई तुम्हारे आगे रख दिया तो हम बदतमीजी हो गए। सच बोलने वाला तो हमेशा या तो पागल होता है या बदतमीज होता है, तो ठीक है, हम बदतमीजी सही। वैसे तो हाँ मैं जब भी गांव में जाती हूँ तो उन लोग के साथ में तो रहती नहीं हूँ ना, मेरा घर पे रहती हूँ, क्योंकि अभी तो मेरा पापा भी नहीं है। तो वो मतलब माँ है, स्टेप मदर, वो भी मतलब उनके साथ में मेरा बनती नहीं है, किसी के साथ नहीं बनती है। वो सारे मतलब जो भी है सारे मतलब मुसलमान ही है, मामा उधर ही, खाला उधर ही, सब लोग मतलब वहीं पर है। तो बीच में हमारा घर है, तो सब लोग का मतलब नहीं कि एक गिद्ध मरे हुए डंगर के ऊपर जैसे गिद्ध खाने के लिए पड़ता है, ऐसे ही फिर टूट पड़ता है मैं वहां पर जाती हूँ तो।
मतलब इस्लाम 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 कबूल कर, इस्लाम कबूल कर वाले नहीं क्या काइंड ऑफ ऐसे सुनाते। फिर मैं वो मुंह में बोल देती हूँ, मार तो वो लोग सकते नहीं है क्योंकि सिक्किम में वो करने के लिए उनको तो और 10 जन्म लेके आना पड़ेगा कि मेरे ऊपर हाथ उठाने के लिए, वो कर नहीं सकता। और दूसरी बात, बिल्कुल नहीं कर सकता सिक्किम में, बिल्कुल नहीं कर सकता। बट अभी मतलब क्राइम हो रहा है कि बहुत सारा, मतलब क्योंकि अभी मुसलमान लोग बहुत घुस गए हैं। और मैंने मतलब ये बात सिक्किम का जो न्यूज रिपोर्टर वाले हैं उनसे भी मैंने मैसेज किया, कॉल किया, कॉल पे मैंने फोन में बात भी किया। मैंने बोली कि सिक्किम के अंदर घुसने के लिए दो बॉर्डर है, तो दोनों बॉर्डर में मैंने बोली कि जितने भी ये मोमिन्स लोग आते हैं उनको स्टॉप करो, मोमिन्स के बदले में किसी और को लेके आओ काम करने के लिए, जैसे घर बनाने के लिए वो बहुत सारे कामों के लिए आते, उसके बदले में कोई और को लेके आओ। ये लोग एक आते हैं उसके बाद में धीरे धीरे सबको घुसा डालते हैं, और जिस दिन तैनात इतना बढ़ जाएगा ना उसके बाद में तुम गुलामी गुलामी गुलाम बनोगे और वो लोग राजा बनेगा। न्यूज वाले लोग बोलती हो? बोलती हूँ पुणे में रह के, मैं पुणे में हूँ लेकिन बोलती हूँ आपको फोन करके, मतलब मेरी बातें अभी कुछ दिन पहले ही मैंने वो फेसबुक में मैंने अपडेट देखा था, तो वो ही न्यूज वाले ने मोमेडियन के ऊपर ही कुछ लिखा हुआ था। अच्छा हाँ, तो ये काम मतलब चल रहा है, टाइम लगेगा क्योंकि सिक्किम में भी टाइम लगेगा लोगों को जानने के लिए। और जो मेरा खाला का बेटा वो ऐसा ही बनता हूँ ऐसा बोलता है कि, लेकिन बहुत सारे मतलब ऐसे जो मुस्लिम लोग हैं वहां पर मोमिन लोग मतलब घुस गया है, किसी दिन ऐसा ना हो कि किसी गलत हाथ में चले जाए और सच में वो ISI में चले जाए। और दिल करता है कि मैं ना पुलिस को बोल दूं, मेरे को तो दिल ऐसा करता है। फिर मैं चाहती हूँ कि मेरा जी नहीं, अगर कुछ आपको किसी भी तरीके का आपको ऐसा लग रहा है कि ये कुछ गलत काम करने वाला है, आप पुलिस में जाके जो है जरूर इन्फॉर्म करें, क्योंकि वो तो अल्कोहलिक है और उसका ब्रेन वॉश करना, दारू के मामले में उसका ब्रेन वॉश करना तो बहुत इजी हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा। और कहीं गलत हाथ में, क्योंकि ये अरबिक लोग भी बहुत घुस जाते हैं, वो जो व्हाइट कलर का जिस्ता से वो जो पहनता है नाइटी, वो जिस्ता से बोलते हैं अरबिक लोग उसको, तो वो नाइटी पहन के बहुत घुसते हैं वो लोग, आते वहां पर ईद के टाइम में, जो रमजान के टाइम पे नाइटी है ना वो जिस्ता से, हमारे लिए तो नाइटी है उसके लिए जिस्ता से है। फ्रीडम ऑफ मोमेंट है रनिंग, उसको फ्रीडम ऑफ मोमेंट कहा जाता है। आप भी तो, हाँ जी, आपको दुबई में रह चुकी हूँ, मैं भी कुवैत में रह चुकी हूँ, तो मुझे पता कंदोरा बिजदाशा फ्रीडम ऑफ मोमेंट। हाँ जी, तो वो नाइटी पहन पहन के ना हमारे गांव में बहुत अभी क्या बोलते हैं रमजान के टाइम में बहुत आते हैं ऐसे, तो गलत हाथ में पहुंच गया तो मतलब बर्बादी है ये। नाइटी वालों के हाथ लग गया तो फिर टाइटी हो जाएगा उसका। तो इजी हो जाता है ना, पहले कटे हुए और कट जाएगा, पता नहीं क्या क्या कट के बैठेगा फिर, तो पहले कटेले है वो। फिर तो क्या क्या काट के बैठेगा। ये भारी था ये दीदी, तो बहुत भारी है भाई। मुसलटे जैसे आप लोग बोलते हो ना मुसलटे, हम कटेले बोलते हैं उसको, आप मुसलटे बोलते हो, हम कटेले बोलते हैं उसको। हाँ नहीं नहीं, लेकिन ये नहीं बोलना चाहिए, गलत तरीका है। तो बट तुम सच है, सच मैं तो मालो का मुंह में बोल देती हूँ कटेले है तुम लोग। क्या बोल रहे हो? मेरे तो जो स्टेप मदर है उसको मैं बोल देती हूँ मुंह में, चुप कर रहे कटेले कितना बोलती है ऐसा बोल देती हूँ। अच्छा, तो फटके नहीं देती वो आपको? नहीं, वो बोलती है बस कि इसका इसका मुंह देख, इसका मुंह इतना चलता है कैंची का जैसा, बस तेरा जुबान बहुत चलता है कैंची का जैसा। तो मैं बोलती नहीं है तो नहीं है, साबित करके झूठ बोली है, साबित कर बोलती हूँ। फिर साबित कहाँ से करेगा, क्योंकि है ही कटा हुआ तो कहाँ से साबित करेगी। लेकिन मम्मी का तो कटा हुआ नहीं है ना आपकी? मम्मी का नहीं है, अगर वो इजिप्ट वगैरह सऊदी वगैरह में होता तो उसका भी काट देते थे ना। सही बोले, हाँ ये बात है, लेकिन अभी वो फखर से कह सकती है कि नहीं हमारा कटा हुआ नहीं है। नहीं, अभी तो मेरे पापा के साथ शादी करके तो अभी तो और भी है ना। आधा तो काफिर तो वैसी हो गई ना वो, आपके पापा तो नॉन मोमिन थे ना। हाँ जी हाँ जी। ये देखिए हमारे अब्दुल्ला मेरानी साहब को भी दुख हुआ है, वो कह रहे हैं कि भाई अब इफ
इफ वी हैव कटेला इज इट आवर सीन, मतलब अभी जैसे हम लोग है, हमारी तो मर्जी नहीं थी, हमको तो ऐसी पेंसिल छील दी गई, तो उसमें कैसा है, और इसी वजह से हमने एक स्ट्रीम भी की थी इसी वजह से कि भाई बचपन में आप किसी की खतना क्यों कर देते हो, सर्कमसीजन बचपन में नहीं होना चाहिए, क्यों, क्योंकि वो बच्चे को नहीं पता है ना कि उसके साथ ये हो रहा है, अगर वो बड़ा हो जाता है उसके बाद वो एक इन्फॉर्म डिसीजन लेता है करने के लिए, उसकी चॉइस है, दैट इज अ सेपरेट थिंग, बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो रहा है कि आप बच्चे की जो है बचपन में ही आप पेंसिल छील दे रहे, अब उसको आगे पछता रहा है वो, अब वो वापस भी नहीं ला सकते, आज तक ना कोई ऐसी सर्जरी आई है, प्लास्टिक सर्जरी, कोई भी सर्जरी ऐसी नहीं आई जिसमें आपको जो है फोरस्किन वापस मिल जाए, रिकंस्ट्रक्ट हो जाए। चिड़िया ले गई। हाँ लैला जी, मैंने कहा चिड़िया ले गई, बचपन में ही कर सकते हैं। मैंने आपसे फोन करवाया। सही सही बोले, लाल लुंगी पहना देते थे। एक बात बोलती हूँ और सुनिए, मैं ना मशरूम भी नहीं खाती हूँ, पता है जो मशरूम होता ना सेम मुझे। मशरूम क्यों नहीं खाती आप? यार आंटी आपकी आवाज क्लियर नहीं आज? अच्छा एक मिनट, हेडफोन तो पहले से लगा हुआ, पहले भी उसी से बात किया है। हाँ लेकिन ऐसी आवाज मेरा वाला तो अभी अच्छी आ रही है कि नहीं आ रही है? पहले हेडफोन निकालो आप। अच्छा एक मिनट, मैं कोई गलत जगह नहीं कर दूं तो फिर आउट हो जाऊंगा। अभी तो म्यूट कर गई, मगर अभी आवाज बहुत कम आ रही है। नहीं नहीं आ रही है आपकी आवाज। अच्छा मेरी आवाज, लेकिन आपकी आवाज क्लियर हो गई है लैला जी। लैला जी आपकी आवाज क्लियर हो गई है। ओके ओके, मगर आपकी आवाज कम आ रही है। हाँ जी, तो बस मुझे यही बोलना था कि अगर मुझे थोड़ा सा भी लगता है तो मुझे क्या इन्फॉर्म करना चाहिए पुलिस में? बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल। हाँ जी, बस वही आपसे जानना था मुझे कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि गलत हाथ में पहुंच गया तो ऐसे भी नाइटी वाले तो बड़े घूम रहे हैं, लुंगी वाले, नाइटी वाले, लाल दाढ़ी वाले, बकरे की तरह मैं कर करके। अच्छा वो मशरूम का क्या सीन था, मेरे को समझ में नहीं आया, क्या बोले आप मशरूम? अरे भाई मशरूम का जो ऊपर का हिस्सा है, ऊपर का सेम तो ऊपर का हिस्सा जो है उनको बहुत बुरी यादें दिलाता है, मुसल की यादें पसंद नहीं करती। नहीं दिलाता है, मेरे मेरे जो खाला के बेटे लोग है, बच्चे लोग है ना, अभी उसके भी बच्चे लोग हो गए, उनके वो मतलब एक साल होते होते मतलब कटवा देता है, तो सेम वही लगता है मुझे। और बच्चे नहीं क्या चड्डी बिना घूमते रहता है इधर उधर लड़पड़ लड़ करके। अरे पर आप उधर ध्यान क्यों देती है इतना? अब दिखाई दे रहा है तो देखे ना फिर इंसान, चड्डी मतलब पाले बोल भी नहीं सकते कि नंगा मतलब घुमा रहे बच्चे लोग को, बच्चे लोग बार बार, एक तो ठंड एरिया है और सुसु कितना करता है और डाइपर कितना खरीदेगा, मतलब दस दस बच्चा हो रहा है तो आपकी शादी हो गई? मेरा बच्चा 22 साल का है, जॉब करता है। अच्छा 22? ओ ओके, गुड 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 गुड। मैं सोच रहा था कि आपका और आपके आपके हस्बैंड का कॉन्वर्सेशन किस तरीके से चलता होगा, इसी वजह से मैंने पूछा आपकी शादी हुई या नहीं हुई है। नहीं नहीं मेरा हस्बैंड ही इज आल्सो पास द वे, 12 साल हो चुका है। oh, और मेरे पीछे एक मोमिन आज भी पड़ा हुआ है, कोई ना। हाँ. अभी जो जिसको जाना था वो चला गया, उसमें क्या, हम भी एक दिन चले जाएंगे, हम भी चेला तू भी चेला, दोनों नरक में ठेला ठेला करके बैठना है और क्या। तो ये मोमिन हजरत कौन आपके पीछे पड़े?
अरे कुवैत में, जब मैं कुवैत में थी मेरे हस्बैंड के साथ में, तो उस टाइम पे जिस बिल्डिंग में माबुल्ला करके एक बिल्डिंग है कुवैत में, तो मतलब एरिया है वहां पर रहती थी, मेरा हस्बैंड ड्यूटी जाता था, तो उधर ही मतलब बाजू में एक बंदी थी नेपाली, तो वो लड़की मतलब उसके साथ में मेरी बात होते रहती थी, तो वो मतलब हाउसमेट थी, तो उसको कुछ सामान चाहिए होता तो मैं मतलब लाके दे देती थी उसको, तो उसके कारण से मतलब उस बंदे के साथ में भी पहचान हो गया, मतलब वो भी इंडियन है करके, इधर जयपुर का है करके, तो पहचान हो गया। बाद में उसको पता चला मेरा, मैं मतलब मेरा सांस का प्रॉब्लम आया था तो मैं इंडिया आ गई थी, तो फिर मेरा हस्बैंड का डेथ के बाद में उसको पता चला कि मतलब मेरा हस्बैंड का डेथ हो गया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो बंदा पसंद करता है, आज भी है वो फेसबुक में टच में है, व्हाट्सएप में भी है वो, क्योंकि ये मेरा एक नंबर है मेरा बहुत पुराना है, तो आज भी मैं टच में है, तो बोलता है मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम्हारे नाम के पीछे सुसन सुकूर खान ये होना चाहिए, बस खान चाहिए, मुझे तुम नहीं चाहिए, तुम्हारा जिस्म नहीं चाहिए, बस तुम्हारा नाम के पीछे खान होना चाहिए, मुझे ये बोलता है। मैं फिर बोलती हूँ ना, मेरे को मेरा खुला जिंदगी मुझे बहुत पसंद है, मैं खुला सांड के तरह रहना पसंद है मुझे, लेकिन शादी के बंधन में नहीं, 3 तलाक नको, मेरे को हलाला नहीं चाहिए, मुझे सौतन नहीं चाहिए जिंदगी में। वाह भाई वाह 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 वाह, बहुत जबरदस्त बहुत जबरदस्त। चलिए क्या नाम है सुशांत जी, हमको तो लगा था आपकी उम्र जो है 20-21 रहेगी, तो आपकी आवाज से जो है आप काफी यंग लगती है और अभी भी है यंग, लेकिन साहिल काफी भाई, एकदम। अगर मैं आपके सामने आ जाऊं ना, कोई नहीं बोलेगा कि मेरा बेटा ना 22 साल का है, मैं आज भी आपकी मैं आवाज 28 साल से नहीं की या लग रहा है। 25 साल की लगती हूँ, मैं घमंड नहीं करी अरे क्योंकि मैं ब्यूटिशियन हूं ना, इसलिए अच्छा, आपको इस बात का घमंड नहीं है कि आप अभी नहीं भी है, इक्कीस बिल्कुल बीस नहीं है, साल की लगती है? नहीं घमंड 25 होना की चाहिए लगती, लेकिन 25 से आपको। 28 की तो लगती हूँ, 25 से 28 की तो लगती हूँ। वाह वाह वाह, चलिए थैंक यू सो वेरी मच। दीदी को तो घमंड इनफैक्ट होना चाहिए कि वो 22 साल का बच्चा है लेकिन वो अभी भी 20-25 की लगती है, इस पे तो घमंड वाली बात है। लेकिन इतनी अच्छी है हमारी दीदी कि उसके बावजूद भी इनको कोई घमंड नहीं है, आवाज से तो ये वैसे भी 21-22 की लग रही है। थैंक यू सो वेरी मच सुशांत जी, बहुत और अच्छा नहीं, लगा और एक एकदम। बात बोलती, मैं और एक बात अच्छा अभी बोलती बाकी साहिल है भाई, एडम जी। एडम भिरे के उसमें मैंने ना ये किया था, सुपर चैट दिया था, और मैंने वो बोलने वाली मैं थी कि अगर मैं 25 की होती तो आपको या एडम भिरे को, दोनों में से एक जन को प्रपोज करती, कोई ना कोई तो पट्टी जाता था, अरे लेकिन गलती हो अरे गया अरे, कि मैंने भाई बोल के गलती कर दिया, ये मैंने सेपा डाल दिया, ये मैंने अच्छा बोलने वाली कमेंट्स करने वाली वो मैं ही थी। अच्छा अच्छा चलिए कोई नहीं, वक्त गुजर जाता है, बात भी निकल जाती है, सब कुछ हो जाता है। थैंक यू सो वेरी मच सुशांत जी, बहुत अच्छा लगा, अपना ख्याल रखिए और खुल के थैंक अपनी यू सो जिंदगी मच। जिए।